साल के अंकल का नुपुर से प्यार का इजहार। हम भी कभी जवान हुआ करते थे। हम मिले जब हम तुम के सेट पर पहुँचे, हमने सोचा कि दोनों ही कन्याओं से, मेरा मतलब है नुपुर और गुंजन से, हाय हेलो करके कुछ दिल की बात कर ली जाए। लेकिन जब हम सीरियल के सेट पर पहुँचे तो हमने देखा बेचारी नुपुर तो हैरान परेशान घूम रही है, क्योंकि नुपुर को परेशान कर रहे हैं 60 साल के अंकल। अंकल जी, इस उम्र में ये हरकतें? खैर छोड़िए, हमने सोचा कि चलिए आगे बढ़ते हैं, गुंजन से मिलकर आते हैं, तो देखा कि गुंजन को प्यार हो गया है। अब आप कहेंगे मालूम है गुंजन को प्यार हो गया है, सबको पता है, टेलीविजन पर दिखता है। ये नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। गुंजन को प्यार हो गया है 8 साल के सम्राट से। भाई ये हो क्या रहा है? बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। इन जनाब से मिलिए जो उम्र से तो 60 साल के अंकल लग रहे हैं, मगर उम्र के इस पड़ाव में भी अंकल जी को जवानी सूझ रही है। हम भी कभी जवान हुआ करते थे। इन 60 साल के अंकल से अब ये कौन कहे कि जरा संभल के नुपुर से फ्लर्ट कीजिए, वरना कहीं नुपुर को गुस्सा आ गया तो बची खुची जिंदगी बिना दांतों के न गुजारनी पड़ जाए। ऐसे अंकल थे, मतलब ऐसे अंकल मुझे कभी भी मिले नहीं, पता नहीं कौन था। बिल्कुल मुझे ये जरूर पता है कि अगर मयंक बुढ़ा होगा तो बिल्कुल वो अंकल की तरह दिखेगा। सेट पर बिन बुलाए मेहमान बनकर पहुँचे 60 साल के ये अंकल जी आखिर हैं कौन, जो सेट पर सभी को अपनी बड़ी सी तोन दिखाते फिर रहे हैं। प्यारे अंकल थे। अंकल से ज्यादा उनका पेट मुझे बहुत पसंद आया। वैसे पेटू लोग बहुत पसंद है, खाते पीते घर के। अपनी बड़ी सी तोंद दिखाने के बाद अंकल जी को फिर से याद आई नुपुर की। ऐसे में अंकल फिर पहुंच गए उनके पीछे पीछे। लेकिन जरा गौर से देखिए इन अंकल जी को, क्या ये आपको जाने पहचाने से नहीं लगते? ओहो, तो बैंगलोर से नुपुर को सरप्राइज देने पहुँचे हैं अपने मयंक बाबू। वाह मयंक बाबू, क्या सरप्राइज है! ऐसा सरप्राइज कभी देता नहीं था, और मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है, नुपुर को बहुत पसंद है, तो फर्स्ट टाइम इसने ऐसा ऐसा सरप्राइज दिया कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वैसे नुपुर, आपके लिए एक और सरप्राइज है। आपकी एक हंसी के लिए मयंक ने कुछ और भी सोचा है। छोटा सा घर है ये मगर, छोटा सा घर है ये मगर, तुम इसको पसंद कर लो। मयंक ने नुपुर को इतना बड़ा घर गिफ्ट में दिया। लेकिन मयंक बाबू, हमारा आपसे ये सवाल है कि आप तो अभी एक स्टूडेंट हैं और आपके पास कमाने का कोई जरिया भी नहीं है, तो ऐसे में इतना बड़ा घर कहाँ से आया? कहीं हवा में महल तो नहीं बांध रहे हैं आप? बड़ी बहन को तो उसका प्यार और घर दोनों मिल गया।